हमारी लाइफ भी टीवी सीरियल की तरह होती है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में भी आया। मम्मी पापा ऑलरेडी मेरे मामा को लेकर टेंशन में थे, क्योंकि वो आईसीयू में एडमिट था 4-5 दिनों तक। तो इसी टेंशन में उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई, जिसका मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा। बट फिर मम्मी पापा ने कहा कि वो घर छोड़ के चले जाएंगे, तो मुझे बहुत बुरा लगा और गिल्टी फील हुआ कि मेरे मम्मी पापा को मेरे वजह से घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। और बात यही नहीं रुकी, मेरे मम्मी पापा सीधा बैग उठाकर घर से बाहर निकल गए और घर पर मैं, नानी, चिकू बेबी और कृष्णा ही थे। थोड़ी देर नानी भी शांत रही, फिर नानी भी शुरू हो गई। मेरी नानी, जो मुझे कभी मेरे गलती पे गुस्सा नहीं करती, कहने लगी कि तू गांव में रही बचपन से, तो तू गांव में ही अच्छी थी, तुझे यहाँ ला के बहुत बड़ी गलती की, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि मेरे वजह से सबको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और इसी गिल्ट में मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया और सीधे मैं अपने गांव जाने के लिए निकल गई। बस पापा के ड्रॉअर में से कुछ पैसे लिए और निकल गई बिना मोबाइल के। तो मैंने जाते जाते ये जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, इनसे पूछा कि मम्मी पापा को तुमने कहीं देखा है क्या। मुझे लगा था मैं नाराज होके जाऊंगी तो सब लोग मुझे मनाते हुए आएंगे। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये मैटर इतना बड़ा हो जाएगा, और ये कितना बड़ा रिस्क था मेरे लाइफ का। शायद इसे ही बचपना कहते हैं। मम्मा पापा के साथ घर आ गई और समझ गई कि मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं घर से निकल के जा रही थी। और मैंने जब घर आके देखा तो हमारे गणपति बप्पा जा चुके थे, उनको ठीक से बाय तक नहीं बोल पाई मैं। दो दिन से मिला नहीं तू हमसे, क्या किया तूने? उधर जाने का किसको ढूंढ रहा? किसको ढूंढ रहा? देख कौन है, देखिए कौन है।
कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझसे जाने अनजाने में होने वाली शरारतों से पापा को क्या लगता होगा। गलती हो गई, सॉरी। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा। अरे क्या करूं इसका, मार भी नहीं सकता। पापा को खाना खाने 12 बज गए। हाँ ना, देखो ना, 12 बज गए और पापा अभी तक रूम से बाहर ही नहीं आए। पापा, हमें ऐसे बैठे रहेंगे तो पापा को मतलब ठीक कैसे लगेंगे। हाँ, हमें ही पापा को ठीक करना पड़ेगा। पापा, क्या कर रहे हो? आओ ना बाहर खाना खाने के लिए। क्या देख रहे हो? ये इसको दिखा रहा था। केजीएफ, चलो ना बाहर खाना खाने के लिए, 12 बज गए अभी तक आप रूम से बाहर नहीं आए। आता जाओ, तुम खाना ना खाओ, जाओ आता हूं। आ रहे पापा। कैसे ठीक होंगे मामे पापा? तेरे हाथ में पापा को ठीक करना। क्या हुआ चिकू? देखो ना, अभी मैं चीकू को चावल खिला रही थी तो चावल नहीं खा रहा है, सिर्फ पानी पी रहा है। देखो कितना सारा, पूरा एक ग्लास पानी खत्म कर दिया और इतना नाटक करता है। मुझे लगा इसको बहुत भूख लगी है, लेकिन खाना नहीं खाएगा, सिर्फ पानी पिएगा। उसको मोबाइल चाहिए होता है खाते टाइम। देखो नहीं, मोबाइल नहीं होता। अभी से इतने नख रहे इनके, देखो इधर आना। मोबाइल चाहिए, मोबाइल। अच्छा इधर आ। हाँ इधर बैठ, बैठ इधर, दीदी लगा, बैठ नीचे, बैठ बैठ बैठ। देखो नाटक, देखो पापा को मैंने खाना दे दिया और पापा खाना खा रहे हैं। क्या पापा, कितना लेट कर दिया आपने खाना खाने के लिए? ना, लेट हो गया ना। कितना लेट नहीं करते ना आप खाना खाने के लिए? देखो टाइम क्या हो रहा है, 1 बज रहा है। क्या हुआ? तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? बात करना। क्या हुआ देखो, कुछ तो बोलना। तू ऐसे क्यों बैठा वाला है? गुस्सा है तू? सॉरी ना, मैंने कितनी बार सॉरी बोला, माफ कर देना प्लीज। प्लीज ना बच्चे, बात करना, मुझसे गले लग। क्या तूने? हाँ। पक्का ना? हाँ। सॉरी। अभी नहीं करूंगी ना मैं ऐसे। उठ एक मिनट, अभी नहीं करूंगी मैं ऐसे, पक्का नहीं करूंगी। कैसे हो सब लोग? सब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, जैसे उनको पता चला कि मैं वापस घर पे आ गई हूँ तो सब लोग मुझसे मिलने आए। अभी आए स्कूल से? हाँ। रुको मैं नीचे आती हूँ। हाँ। आप इधर आ जाओ यहाँ पे।
कुछ नहीं, नीचे लड़की आई है बहुत सारी मुझसे मिलने के लिए। मुझे तो पहले लगा था कि ना सारे लोग मुझसे नाराज होंगे, लेकिन है ना सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मिस किया? अब आगे हो ना, मैं अभी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी, ठीक है? मैं सबसे मिल गया, मुझे लगा सब मुझसे नाराज होंगे, लेकिन सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो मेरी है ना गांव वाली मौसी भी आई थी, और मेरी मौसी भी बहुत परेशान थी, मतलब है ना बहुत परेशानी से गांव से आई थी, और मेरे गांव वाले मामा भी आए थे। तो भी है ना मौसी को जाना है घर पर वापस, क्योंकि है ना वापस जाना भी ज़रूरी है। मौसी ने भी मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत अच्छे से संभाला। मौसी को जाने देने का मन तो नहीं है, लेकिन अभी जाना तो पड़ेगा। मौसी बोली कि वो वापस कभी बाद में आएगी, और अभी मैं मौसी को इतना ही बोलूँगी कि अभी टेंशन मत लो, ऐसे मैं आगे कुछ भी नहीं करूंगी। मैंने सबसे सॉरी बोला है मौसी से भी। हाय ना मांझे रहा दोनों को। मुझे आज समझ आया कि हम बचपने में आके बचकानी हरकत कर देते हैं, बट अपने इस बचपने का दूसरों के लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। सबको बहुत तकलीफ होती है। तो स्माइल करूंगा। मेरी नानी मौसी मेरे जाने के बाद घर आई तो वो बस मेरे फोटो को देख देख के रोने लगी। बाय मौसी। बाय बाय। आराम से जा। गेला नंतर फोन का। कहा गई थी तू? रो मत ना, अब आ गई हूँ मैं घर पे। मैं घर से चली गई थी तो मेरा जो नानी का गांव है माजिल गांव, वहाँ से है ना ये सब लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं, सब लोग। और ये देखो ये दोनों बच्चे भी आए हैं। लो आपको चिंता में आए मालूम क्या इधर? हाँ हाँ तो सब लोग, हाँ सब लोग तेरे चिंता करते हैं, इसलिए उधर से मिलने आए यहाँ पे। काव्या से और काव्या जैसे हजारों बच्चों से एक अपील है कि माँ बाप के डटाए को या उनके डांट को बुरा ना समझे, बल्कि आपकी खुशनसीबी समझे कि माता पिता आपके पास है जो आपको अच्छे गाइडलाइंस के लिए, अच्छी बातों के लिए आपके ऊपर कुछ बात कहने के लिए कह रहे हैं। इसका आप कोई भी बुरा ना माने, बल्कि खुशनसीबी समझे। तो मैंने अपना मन बहलाने के लिए अपने काव्या लाइंस इंस्टाग्राम ग्रुप की लड़कियों से वीडियो कॉल पे ढेर सारी बातें की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय हेलो, कैसे हो? हाय, क्या नाम है आप दोनों का? मेरा भूमिका। अच्छा ओके। हाय भूमिका। ओके ओके। और बाकी सब लोग कहाँ पे हैं? तो फोन करो। दीदी चीकू बेबी कहाँ पे है? चीकू बेबी तो अभी शायद उधर ही बैठा हुआ होगा। शायद पापा को ठीक होने के लिए कुछ दिन और लग जाए, बट अब पापा से एक मिनट के लिए भी अलग नहीं रहना है मुझे। आई लव यू पापा। पापा के हंसी मजाक के बिना ना तो मेरी लाइफ पूरी है और ना ही मेरे वीडियोस पूरे हैं,
तो पापा जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे घर आके 5 दिन हो गए। हे भगवान, जल्दी से सब ठीक कर दे। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।